तो गाइस सबसे पहले आपको पिकाट ऐप ओपन कर लेना है। एंड पिकाट ऐप ओपन करने के बाद हम दोस्तों इसमें पहले बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी मैं इसमें फोटो इमेज यूज़ करने वाला हूँ उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है आपको बैकग्राउंड। एंड बैकग्राउंड में लेने के बाद ये थोड़ा मतलब थोड़ा वाइड है, इसे मैं थोड़ा छोटा मतलब क्रॉप करने वाला हूँ, तो यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। एंड आई होप आपको पिकाट ऐप चलाना आता होगा, अगर नहीं आता तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, आप मुझे बस कमेंट में बता देना। ओके गाइस, तो इतना ठीक है फोटो के लिए हमारे, तो इतना मैं इसे क्रॉप करके राइट कर देता हूँ। एंड क्रॉप करने के बाद हम इसमें अपना मॉडल का फ़ोटो ऐड करेंगे, जो कि दोस्तों मॉडल तो नहीं हूँ। एंड यहाँ पर और जो फोटो हमने खींचा है उसको दोस्तों आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। आई होप आपको बैकग्राउंड रिमूव भी करना आता होगा, नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, एक मिनट के ज़्यादा की नहीं है, वन क्लिक में आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। तो मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही, तो ये हम इसे एडजस्ट करेंगे। एंड दोस्तों आपको ये फोटो ध्यान से एडजस्ट करना है, नहीं ज़्यादा आपको भी बड़ा करना है ना ही ज़्यादा छोटा करना है फोटो को, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद ये फोटो एडजस्ट होने के बाद हम इसे राइट कर देंगे, और थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मतलब ठीक हो गया ये अब एडजस्ट, तो इतना ठीक लग रहा है एंड इसे हम राइट कर देंगे अब देख से फोटो में। तो फोटो हमारी ठीक हो चुकी है, अब इसमें दोस्तों थोड़ा शैडो वगैरह ऐड करेंगे जिससे थोड़ी रियलिस्टिक फील आए, मतलब परछाइयाँ ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से हम शैडो बनाएंगे, और शैडो बनाने के लिए पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे। एंड पेंसिल के आइकन पर जो जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो देख लेना, हार्डनेस बिल्कुल एकदम जीरो कर देनी है, एंड साइज़ अपने हिसाब से कर लेना, एंड ओपेसिटी 3 से 4 रहनी चाहिए। ओके गाइस, और साइज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से हम शैडो बनाएंगे धीरे धीरे, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मैंने माना है कि भाई लाइट जो है राइट से आ रही है, तो इसलिए मैं शैडो दो है लेफ्ट की तरफ बना रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपने फोटो किस जगह पे खिंचवाया है, वहाँ से लाइटिंग कहाँ पड़ रही है आपके फेस वगैरह पे, तो आप देखना। इसमें लाइटिंग तो पड़ नहीं रही लेकिन मैं फिर भी शैडो बना रहा हूँ, थोड़ा रियलिस्टिक फील आएगा, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा वो कर मान लिया है। एंड यहाँ से मैं सिर्फ दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, तो शैडो मैं हर उसमें बना रहा हूँ। एंड इससे दोस्तों थोड़ा जो है रियलिस्टिक फील आता है, एंड आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर मतलब कितना अमेजिंग लग रहा है। और इसमें और भी मैं शैडो ऐड करता हूँ, एंड इसकी थोड़ी सी एडजस्ट करके दोबारा से मैं अब हर जगह पे कर दूँ, थोड़ा नीचे नीचे ज़्यादा लगा दूँ जिससे थोड़ा रियलिस्टिक फील आए। एंड यहाँ पर हमारी शैडो जो है पूरी होने वाली है, एंड यहाँ पर मैं आपको जब बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा तो आप देखोगे मतलब बहुत अच्छी हमारी फोटो बन जाएंगी, एंड जब एंड में जब कंप्लीट हो जाएगी ना तो बहुत अच्छी लगने वाली है। देखिए अब बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा लग रहा है, पहले थोड़ा फेक सा लग रहा था लेकिन अब ऐसा लग रहा है हमने फोटो यहीं खिंचवाई है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे और एडिटिंग करते जाएंगे तो और अच्छी बनती जाएगी। तो अब हमें आपने देखा होगा जोकर का जो फेस होता है ना वो वाइट होता है, तो उसे करने के लिए आपको क्रॉप वाले बटन में जाना है, एंड यहाँ पर एडजस्ट का टूल मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर सैचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा, अब सैचुरेशन का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जीरो कर देनी है ओपेसिटी। एंड यहाँ से ऊपर मिलेगा आपको रेजर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, रेजर का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इन्वर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सिर्फ फेस को ही वाइट करने वाले हैं, मतलब फेस का ही सैचुरेशन कम करने वाले हैं, जीरो करने वाले हैं। और दोस्तों ध्यान रहे आपको बस आइस पर जो है आइस को नहीं करना, आइस को सिंपल ऐसे ही रहने देना, जहाँ जहाँ पर मैं कर रहा हूँ सिर्फ वैसे ही आपको करना है फेस के अलावा, और फेस पर करना है सिर्फ बस आइस को आपको छोड़ देना है। एंड थोड़ा जैकेट पर हो गया तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये होने के बाद हम इसमें दोस्तों जो है फेस मास्क ऐड करेंगे जोकर का, जिसके लिए मैं फोटो पर क्लिक करेंगे एंड फेस मास्क यहाँ से हम उठा लेंगे। और ये सारे फोटो जैसे कि मैंने पहले ही बोला ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, तो यहाँ से मैंने 2 से 3 मतलब फेस मास्क ले लिए हैं, एंड यहाँ से मैं इनको अलग अलग करके लगाने वाला हूँ। ब्लेंडिंग इसका ब्लेंडिंग मोड में आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है ब्लेंडिंग मोड इसका, तो यहाँ से दोस्तों मैं अलग अलग करके लगाऊंगा, आँखों को अलग लगाऊंगा एंड उसको अलग लगाऊंगा फेस को। तो यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड ठीक भी हो चुका है, यहाँ से थोड़ा रेज करके एंड नीचे से थोड़ा इरेज करके अब ये ठीक लग रहा है। एंड यहाँ से स्माइल का जो है वो भी मैं लगा लेता हूँ, इसको क्रॉप कर लिया है मैंने, क्रॉप करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद इसे ये भी ठीक हो जाएगा, एंड इसको रफ कर देंगे नीचे से, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को हम रफ कर देंगे। तो ये इतना ठीक लग रहा है, हमने चलिए रफ भी कर दिया है अब इसे। तो ये होने के बाद हमारा इतना काम हो चुका है, अब यहाँ पे थोड़े से जो है क्रैक्स के मार्क्स हैं इन्हें भी लगाएंगे, यहाँ पर क्रैक्स के मार्क्स 2-3 आप लगाएंगे जिससे अच्छा लगेगा, मतलब एक फील आएगी, एक डेप्थ आएगी। तो ये मैंने यहाँ पर लगाया आँख के ऊपर, एंड जहाँ जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आप भी देख लेना वहाँ पर लगा देना, एंड अपने हिसाब से आप फोटो के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है अपनी फोटो। बाकी तो मैं आपको सारी चीज़ बता ही रहा हूँ आपको, और यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना वीडियो को एंड शेयर करना अपने दोस्तों यार।
तो ये भी हमारा क्रैक्स का काम जो है मतलब पूरा हो चुका है अब। और ये थोड़ी क्रैक्स की जो ओपेसिटी है इसे मैं थोड़ी कम कर दूँगा जिससे थोड़ा मतलब रियलिस्टिक फील आए। तो आप भी देख रहे हैं ऐसे ही आप करना है, आपको भी करना है फोटो अपनी एडिट को। एंड अब इसमें थोड़ा हम जो है पीएनजी वगैरह ऐड करेंगे, टेक्स्ट जोकर का टेक्स्ट ऐड करेंगे और थोड़ा लाइटिंग वगैरह के पीएनजी ऐड करने वाले हैं। तो मैं ऐड फोटो पे जाता हूँ, यहाँ से जोकर का टेक्स्ट भी लूँगा, जोकर का टेक्स्ट दोस्तों बाद में लेते हैं। एंड यहाँ से मैं थोड़ा इसे स्मोक का जो है एंड लाइटिंग का इफेक्ट जो है इन्हें ऐड कर लेता हूँ। इन्हें ऐड करने के बाद यहाँ से मैं फिर जोकर का टेक्स्ट ऐड करूँगा लास्ट में। तो इसका ब्लेंडिंग मोड जो है आपको स्क्रीन कर देना है, एंड जो लाइटिंग का जो ब्लेंडिंग मोड आपको स्क्रीन ही करना है। ओके गाइस, एंड ये इतना ठीक लग रहा है। एंड यहाँ से अब हम देखेंगे इसे कट कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। एंड यहाँ से दूसरा जो है लाइटिंग इफेक्ट हम लेने वाले हैं, जोकर का टेक्स्ट हमने ले लिया है, लाइटिंग इफेक्ट लेंगे यहाँ से दो। इन्हें लेने के बाद यहाँ से हम लगाएंगे, एंड जोकर का जो ब्लेंडिंग मोड है ना उसे वाइट करना है हमें। कहने का मतलब इसे ब्लैक टेक्स्ट है लेकिन इसे वाइट करेंगे, चमक नहीं रहा है। तो इसे कैसे वाइट करेंगे, एफएक्स में जाना है आपको। एफएक्स में जाने के बाद लास्ट में कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, कलर्स में जाने के बाद यहाँ पर नेगेटिव का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे नेगेटिव पर क्लिक करेंगे हमें वाइट हो गया हमारा टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको भी आ जाएंगी जब आप एडिट करते रहोगे, पिकार्ड चलाना आपको पूरा आ जाएगा। तो इसका ब्लेंडिंग मोड आपको स्क्रीन करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला लाइटिंग का जो भी है ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन आपको कर देना है। एंड यहाँ से थोड़ा हम रफ करेंगे जो कि थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से बॉर्डर इसका चमक रहा है तो इसको हम फेड कर देंगे। फेड होने के बाद हम लाइट अब लगाने वाले हैं। एंड ये लाइटिंग का जो हुआ हुए से भी हम चेंज करेंगे, संतरी नहीं रखने वाले हैं, सॉरी ऑरेंज नहीं रखने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसे रेड रख देता हूँ एंड सेकेंड वाले को ब्लू रख देता हूँ, देखते हैं अभी आगे जाके। पहले इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, चलिए मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। इसका हुआ ही हमने कर दिया है ब्लू, एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हमें स्क्रीन कर देना, कहने ही मतलब मेरा ब्लेंडिंग मोड इसका, तो इसका मैंने रेड कर दिया है एंड इसका भी ब्लू कर दिया है, तो अच्छा लगेगा अभी एडिट करने के बाद। एंड यहाँ से इसे हम स्क्रीन कर दिया है एंड इतना ठीक लग रहा है, बस ठीक है ओके। तो ये हमारी डन हो चुकी है पिक्चर, अब इसे लाइट रूम में कलर ग्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ से आप इसे राइट कर देना, राइट करने के बाद इसे डायरेक्ट सेव मत करना, इसे ड्रो टूल में जाने के बाद आपको सेव करने। ड्रो टूल में हम क्यों सेव करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, इसमें जो क्लेरिटी होती है ना ज़्यादा अच्छी आती है पिकार्ड में डायरेक्ट सेव करने से, तो क्लेरिटी थोड़ी बनी रहेगी हमारी। तो ये सेव हो चुका है, लाइट रूम में मैंने इसे ऐड कर लिया, लाइट रूम ऐप में इसे ओपन कर लिया है मैंने। अब लाइट रूम में हमें बस कलर ग्रेडिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग के बाद हमारी फोटो जो है पूरी एडिट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कलर ग्रेड कर रहा हूँ, पहले हम इसको दोस्तों लाइटिंग करेक्शन करेंगे, लाइट करेक्शन करेंगे, लाइट करेक्शन करने के लिए लाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोजर वगैरह सब देखेंगे, और यहाँ से दोस्तों आप इसे एकदम सही से देखना है, जो 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 मैं जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ लाइटिंग वगैरह नंबर वगैरह आप बिल्कुल चेक कर लेना। एंड वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी फ़ोटो एडिट कर सकते हो। तो लाइट करेक्शन में ये हमारा लाइट करेक्स हो ही गया है, अब इसके कलर वगैरह देखते हैं। टेम्परेचर में देखता हूँ किधर रखना है मेरा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर नेगेटिव में ठीक है, एंड इसका टिंट भी नेगेटिव में ही रखने हैं। वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ाएंगे, एंड यहाँ से अब सबके कलर मैनुअली हम सेट करेंगे, इसको रेडी रहने देते हैं। सैचुरेशन देखते हैं थोड़ा बढ़ाते हैं, एंड इसको भी नहीं सही है। यहाँ से हम ऑरेंज जो है फेस कलर जो आता है तो इसे रेड हमने कर दिया है, बिल्कुल सही आ रही है, ये टोन अच्छी लग रही है। एंड यहाँ से येल्लो हमारी जैकेट का कलर है तो इसको थोड़ा रेडिस करेंगे, जैसे हमारी टी शर्ट पर लाइट पड़ रही है इसलिए मैंने थोड़ा से रेडिस कर दिया है। एंड यहाँ से इसका लुमिनेंस थोड़ा कम करेंगे, एंड ग्रीन थोड़ा सा है तो इसे थोड़ा लाइटिंग की तरफ रखेंगे, दूसरे साइड मतलब लाइट पड़ रही है इसलिए हम यहाँ से ब्लू को दोस्तों और ब्लू करेंगे, जो हमारा ब्लू कलर आ रहा है लाइटिंग इफेक्ट का तो इसको हम ब्लू करेंगे। तो इतना नहीं हाँ इतना ठीक लग रहा है। यहाँ से आप देखोगे लुमिनेंस हमें थोड़ा देखते हैं लुमिनेंस की तरफ रखनी है, तो लुमिनेंस प्लस की तरफ ठीक है। यहाँ से बाकी कलर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा ब्लू की तरफ रखते हैं इसको, ये ठीक हो गया, बस इतना ठीक लग रहा है ये रेड। एंड तो लुमिनेंस थोड़ा माइनस की तरफ रखेंगे, तो ये हमारा कलर करेक्शन भी हो चुका है। एंड यहाँ से थोड़ा क्लेरिटी वगैरह टेक्सचर भी थोड़ा देखते हैं, यहाँ से क्लेरिटी थोड़ा ज़्यादा करेंगे, डीएच भी थोड़ा करेंगे, एंड विग्निटी थोड़ा हम कम डालने वाले हैं यहाँ पर, विग्निटी बस बहुत ही कम डालेंगे यहाँ से। और थोड़ा ग्रेन भी आपको ऐड करना है जिससे अच्छी फोटो लगने वाली है, ग्रेन 25 से 30 आप रख सकते हैं ग्रेन को। यहाँ से मास्किंग हम फुल कर देंगे, मास्किंग एंड नॉइज़ रिडक्शन आपको बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से हम थोड़ी लाइटिंग वगैरह हाईलाइट वगैरह चेक करेंगे,
तो हाईलाइट वगैरह जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम कर देना, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ से बिल्कुल सेम ऐसे कर सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, 3 से 4 फोटो और मैं लाने वाला हूँ जो करके अलग अलग कंसेप्ट पे, तो ये एक अलग सा कंसेप्ट है। एंड अलग भी और भी वीडियो लाने वाला हूँ जोकर की एडिटिंग के लिए। ये ठीक लग रहा है हमारा। एंड इसमें अब इसे करने के बाद दोस्तों हम कर्व इसकी देखने वाले हैं, कर्व इसे और एडजस्ट करेंगे। एंड इसमें थोड़ा मास्किंग वगैरह और ऐड करने वाले हैं जिससे हमें हमारी फ़ोटो बिल्कुल एडिट हो जाएगी। तो अब लाइक करेंगे, अब कर्व की सेटिंग थोड़ी करते हैं। देखिए यहाँ पे कर्व मैं छेड़ रहा हूँ यहाँ पे, और कर्व को बिल्कुल हल्के हल्के से ही करना है आपको। और ये कर्व के बारे में यार, अगर मैं इसे डिटेलिंग वीडियो एक अलग से बना दूँ कर्व के ऊपर, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो इतना हमारा ये मास्किंग लास्ट है। मास्किंग होने के बाद हमारी फ़ोटो बिल्कुल एडिट हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा मैंने शैडो डाल दिया है मास्किंग के रूप में, तो हमारी फ़ोटो जो है कंफर्म बन चुकी है। अरे वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। यार चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मैं डालता रहूँगा।